नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिमालयन डायरीज़ में। मैं हूँ अभिलाषा और मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। अपने हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी चलिए करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। आज का जो ब्लॉग है वो मैंने शूट नहीं किया है, वो मेरे मायके से उसकी क्लिप्स आई हुई है, क्योंकि वो जो है वो मेरी मम्मा के द्वारा मेरे लिए कुछ बनाया गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सभी के साथ भी वो शेयर करूँ, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए आफ्टर डिलीवरी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपकी बॉडी में जो है वो ब्लड लॉस हो गया है या फिर जो ब्रेस्ट मिल्क है आपका, अभी आप जो है वो बच्चे को फीड करवा रहे होते हैं तो वो भी उससे इंक्रीज़ होता है, और साथ ही साथ जो है वो आपके लिए मतलब कि आपकी बॉडी में जो है वो जान डालता है, ताकतवर बनाता है आपको। क्योंकि बोलते ही है कि आफ्टर डिलीवरी जो है वो आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाने को बोलते हैं, आपको जूसेस पीने के लिए बोलते हैं, हेल्थी हेल्थी सी चीज़ें खाने के लिए बोलते हैं, तो उसी में ही उस चीज़ को भी मैं इंक्लूड करूँगी। वैसे तो बहुत से लोग जो है वो ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी भी बनाते हैं, पर मेरी मम्मा ने जो मेरे लिए बनाया है वो है ड्राई फ्रूट्स से लड्डू बनाए हुए। मुझे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब आलमंड्स में थोड़े थोड़े खा लेती हूँ और काजू मुझे बहुत अच्छे लग जाते हैं। उसके अलावा जितनी भी किशमिश कुशमिश है, जो भी आपकी गरी वगैरह रहती है, मेरे को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मेरी मम्मा ने क्या किया है कि उन सब ड्राई फ्रूट का मिक्सचर करके बनाए हैं लड्डू, जो कि खाने में बहुत टेस्टी और उसमें बिल्कुल भी पता ये नहीं लग रहा है कि ये किस चीज़ के बने हैं, नहीं तो मैं शायद से वो भी खाती नहीं, फेंक देती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सभी के साथ भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूं, ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो, जितनी भी गर्भवती महिलाएं आफ्टर डिलीवरी उसको बना सके। तो मैं ये रेसिपी आप सभी के साथ इतनी लेट क्यों शेयर करी हूं, क्योंकि मेरी मम्मा ने बहुत ज़्यादा लेट बनाए हैं, क्योंकि मेरा सिजेरियन हुआ है। जितने भी जो सिजेरियन वाली महिलाएं वो प्लीज़ इसको मतलब एकदम से ना बनाएं। आफ्टर डिलीवरी आप जो है वो एक या डेढ़ महीने या फिर दो महीने के बाद बना सकते हो, क्योंकि जो है वो आपके स्टिचेज लगे हुए होते हैं उसके लिए अच्छा नहीं रहता है। लेकिन जितनी भी लेडीज़ की नॉर्मल डिलीवरी हुई है वो इसको मतलब तीन चार दिन या पाँच एक हफ्ते के बाद में बना के खा सकती है, और ये जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए फिर देर ना करते हुए मैं आप सभी के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। और जो वो लड्डू है वो मेरे पास पहुँच भी चुके हैं, तो मैं जो आपके साथ अपना रिव्यू भी शेयर करूँगी मुझे वो लड्डू कैसे लगे, क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इन लड्डुओं को बनाने के लिए आपको जो सामान चाहिए वो है किशमिश, घी, छुआरे, अखरोट, काजू, बादाम, नारियल और गुड़। ये जो है वो आपको बराबर बराबर मात्रा में डालने हैं जितने की आपको लड्डू बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने कोकोनट लिया है उसको हम ऐसे ही कद्दूकस से क्रश कर देंगे, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो ये देखिए, मेरी मम्मा ने आलमंड यानी कि बादाम को फ्राई किया है शुद्ध देसी घी में। इन्होंने अपने घर के घी को इस्तेमाल किया है। आप सभी भी जो है वो अच्छे घी का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो है वो बाद में नहीं तो अगर बाज़ार वाला घी यूज़ करेंगे तो उससे जो है वो स्मेल वगैरह आ जाती है, फिर खाने में वो उतने अच्छे नहीं लगते। ये देखिए अब हो चुके हैं अखरोट या वॉलनट फ्राई, और उसके बाद जो है वो छुआरे यानी कि डेट्स भी फ्राई हो चुके हैं, और अब बारी है कैश्यू यानी कि काजू की, वो भी फ्राई हो चुके हैं, और अब बारी है किशमिश की यानी कि ड्राइड ग्रेप्स की, वो भी फ्राई हो चुके हैं। और अब आप देखिए कि जो ये है, हमने कोकोनट को क्रश किया था उसको भी फ्राई किया है, और वो भी कुछ इस तरह से। अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद मम्मा ने जो है वो इन्हें मिक्सी में क्रश कर दिया था। अब ये कुछ इस तरह से हो गया है, और अब इसके बनेंगे लड्डू। आप सभी भी अपने घर पर इसको ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए कि ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। टन टन, और ये देखिए हमारे लड्डू रेडी है, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। आइए फ्रेंड्स, आप सभी भी खाइए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा इसका रिव्यू शेयर कर देती हूँ कि मुझे खाने में कैसा लगा है, और ये बहुत यम्मी बना है, बहुत ज़्यादा यम। बहुत और इसमें यह भी पता नहीं लगा है कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हुए, सबसे बड़ी बात है अगर कोई नहीं खाता है तो उसके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड, मिलते हैं अब आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।